हेलो एंड वेलकम क्लास. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यील्ड टू मैच्योरिटी आफ्टर द डिस्कशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड. सो नाउ वी आर यूजिंग यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच फॉर द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड. ओके, नाउ सी दिस. इफ द फेस वैल्यू ऑफ द से बॉन्ड इज गिवन, a company XYZ issue the bond and the face value is given, say 1000 rupees. Okay, coupon rate is given 8%. Okay, or coupon payment, yahan par we are taking coupon payment frequency, we are taking annual. Okay, और टाइम टू मैच्योरिटी इज से 5 ईयर. ओके, एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड. नाउ दिस प्राइस इज गिवन दिस टाइम. ये अभी लास्ट टाइम हम लोग निकाल रहे थे, दिस टाइम वी हैव द मार्केट प्राइस इज गिवन. ओके, सो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज गिवन से 950. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी. To calculate yield to maturity, we need to solve this discounted and that make the present value of the bond cash flow. ठीक है, so यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, हम approximation method से हम इसको calculate करेंगे. ठीक है, approximation method से हम calculate करेंगे, मतलब we need to hit and trial. Because see, actually हम लोग को ना ये आपको मैं ये दिखाऊँ कि इस केस में क्या है, हमको ये वैल्यू ढूंढनी है. इसमें 6% दिया हुआ था ना, अपने को ये वैल्यू ढूंढनी है. तो ये वैल्यू कैलकुलेट हम एक्सेल में करते हैं या हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके करते हैं, या फिर अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे. वी नीड टू डू कैलकुलेट दिस विथ हिट एंड ट्रायल मेथड, देन ओनली यू विल एबल टू कैलकुलेट दिस यील्ड टू मैच्योरिटी. बस मैं कुल मिला के आपको वो आयाम दिखा दिया कि व्हाट हैपेंस, वी नीड टू कैलकुलेट दिस आर. Okay, so this R we need to calculate, and with the approximation method, इसकी एक value आ जाएगी. तो इसके numerical को हम क्या करेंगे, present value, coupon rate 8% है, 1000 रुपए है, 8% का annual payment होगा, कितना 1000 रुपए का 8% कितना हो गया class, 80 rupees. So 80 upon 1 plus R to the power 1. प्लस 80 रुपीज, 1 प्लस, एक तो अपने को ये चाहिए होगा क्लास, दूसरा क्या चाहिए होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस. वो कैसे निकालते हैं क्लास, वो भी निकालेंगे. 1000 रुपीज का अगर वो 1 प्लस जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है टू द पावर, यहाँ कितना साल है, 5 साल है ना. ठीक है, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा यील्ड टू मैच्योरिटी का, वो क्या बनेगा, दिस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू present value of coupon plus present value of all present value of face. ठीक है, ये तो यहाँ अपने पास present value of bond दिया हुआ है. For example, market value अपने को दिया हुआ है 950. So this is given 950. Okay, this is we have calculated 80 summation I 1 to 5, and 1 upon 1 plus R to the power 5. प्लस 1000 अपॉन 1 प्लस आर टू दी पावर. सो नाउ इफ यू सॉल्व दिस, तो इसको हम अगर एक्सेल सीट पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे या अप्रोक्सीमेशन मेथड से, कि 950 के बराबर आ जाए, इधर LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, देन वी विल बी एबल टू फाइंड दिस R. ओके, सो यील्ड टू मैच्योरिटी के क्वेश्चंस मैं आपको एक इसका ट्रिक बताऊंगा. अभी के क्लास में थ्योरी मैं दे रहा हूँ, जब मैं इसको डिटेल में पूरा लेक्चर होगा हमारा उस पे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड पे जो हमारे यूनिट 3 है, तब मैं आपको कराऊंगा.
आज हम थ्योरी देख रहे थे और थ्योरी में यहाँ कंप्लीट होता है ईल्ड टू मैच्योरिटी, बट नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस आर, दिस एस्टिमेशन ऑफ आर इज अकेल वी विल गेट टू नो कि आखिर मान लीजिए इसकी वैल्यू, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू आ जाती 8%। सो वी आर एबल टू से दैट कि यस, अगर मैं बॉन्ड में पैसे लगाता हूँ तो मुझे FD RD जैसी चीजों से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे इसमें जाना चाहिए। एंड इफ दिस वैल्यू कम्स टू से 3% और 4%, तो हमें, हम कह सकते हैं कि इतना तो हमें रिस्क फ्री रिटर्न भी बैंक से मिल जाएगा, सो वी कैन नॉट, वी शुड नॉट गो विथ दिस बॉन्ड। ओके, सो दिस एक्चुअली गिव अस व्हाट यील्ड, यील्ड मतलब रिटर्न है, रिटर्न टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा क्या एट द एंड, आपको मिलेगा क्या, आपके हाथ में क्या आएगा, दैट इज दिस वैल्यू। ओके, एंड बाय दिस वैल्यू वी आर एबल टू कंपेयर विद द अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कि मुझे इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे ये यील्ड टू मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। थैंक यू।